हे फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने रिप्लाई दिया है अनिरुद्धाचार्य पंडित को विधवा औरत के सवाल पर, तो चलिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नारी को सम्माननीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, तो ये प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने बड़े बड़े एक अभी एक वीडियो में एक महान संत होंगे वो अपनी जगह पर वृंदावन के ही, उनको कहते हुए सुना कि जो भी व्यासपीठ पर स्त्री के मुंह से श्रीमद् भागवत कथा सुनता है वो नरक में पड़ता है। तो गुरुजी ऐसा क्यों कहा जाता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि ये स्त्रियों के पति का अगर देहांत हो जाता है तो बड़ी ही दर्दनाक स्थिति होती है, उनको जो रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है, उनका चूड़ी तोड़ना, माथा पोछना, इस तरीके का करते हैं, उनके कपड़ों तो को छुआ भी नहीं जाता, ये अनुभव है गुरुजी, तो वो बहुत ही खराब लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कौन से शास्त्र में यह लिखित है कि स्त्री को ही इन नियमों से गुजरना पड़ेगा? क्या पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम शास्त्रों में वर्णित नहीं है? समाज में आज भी नारियों से कोई किसी प्रकार का शास्त्रों के अनुसार भेदभाव नहीं है। अब जो लोग भेद करते हैं वो अपनी गंदी सोच, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने संस्कारों के आधार पर वह निर्णय लेते हैं। भाई किसी का पति चला गया तो ये रिवाज है कि चूड़ी उस समय फोड़ी जाती हैं, उस समय अब पति नहीं है तो मांग किसकी भरेगी, है ना, पति नहीं है तो श्रृंगार किसका करेगी, तो वो तो स्वाभाविक है कि वो श्रृंगार और तो नहीं होता। परंतु समाज ये कहे कि अब हम तुम्हें देखेंगे नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सुलूक किया गया है, वो हम जान ले फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें ये लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलें जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है, उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यपना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसके अंदर भी न्यूटिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन, नंगापन और वेश्यापना बहुत आम था, खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाजल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गाड़ दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाजिल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया, अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है। इस्लाम एक वो मजहब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना और किस तरीके से उसको कायम रखना, वो भी बहुत जरूरी है। तो इस्लाम ने ये बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं, कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं। तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें यह भी चीज दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस औहदे को बरकरार रखे। और अक्सर लोग बात करते खवातीन के हिजाब के बारे में, अल्लाह सुबहाना व ताला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द
खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्याल आते उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पलके झपकाए और कहेंगे कि नजर पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो, उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखे तो अपने नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फराइज है, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1 एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नाक से लेके घुटने तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका लेना चाहिए, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ, कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें खवातीन और मर्द के लिए यकसा है। वाह, बहुत अच्छा वीडियो था। और स्टार्टिंग में जो अनिरुद्ध आचार्य जी ने बताया वो भी सही है कि कहीं भी शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा गया कि औरत के साथ ऐसा ही बर्ताव करना है, लेकिन लोग अपनी गंदी सोच की वजह से ऐसा करते हैं। और अगर आप ऐसे मतलब किसी औरत के साथ पेश आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत होता है गांव में भी, और कोई कोई लोग तो कहते हैं कि मतलब सिटी में रहते हैं फिर भी उन्हें मतलब ऐसा भेदभाव करना होता है। और मैंने बहुत देखा है कि कोई अगर विधवा औरत हो तो उसे उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता जितना कि एक सौभाग्यवती महिला को मिलता है। तो ये ऊंच नीच अभी भी इस ज़माने में है और ये कम होनी चाहिए। और किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा गया कि औरत के साथ ऐसा करो, क्योंकि मतलब एक इंसान है वो भी, और उनका पति चले जाने से आप उसका दर्जा तो मतलब जाहिर सी बात है, हाँ क्यों, जाहिर सी बात है कि उसका सपोर्ट कम होता है, उसे आप सपोर्ट देना चाहिए और उसे और प्यार देना चाहिए, जैसे कि मतलब कोई भी मदद चाहिए हो उसे वो करनी चाहिए। लेकिन उसे ऐसे मेंटली टॉर्चर करना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो मतलब दुख तो उसे होता ही है लेकिन वो दिमाग से भी बहुत मतलब बहुत कमज़ोर हो जाती है औरत। तो और डॉक्टर जाकिर नायक ने बहुत अच्छे से समझाया, और हमने बहुत सारे वीडियोस किए हैं तो हमें भी मालूम है कि जो लास्ट के रसूल थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने वो जब आए तब उन्होंने ये रिवाज बंद किया, क्योंकि अरब में जब लड़की पैदा होती थी उसे ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, और जब नबी आए लास्ट के रसूल आए तब उन्होंने कुरान के हवाले से लोगों को बताया कि औरतों को भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी लड़कों को मिलती है, उन्होंने उनका दर्जा बुलंद किया। और आज मेरे ख्याल से इस्लाम में सबसे सुरक्षित औरतें हैं जो हिजाब करती है, और उनकी तरफ देखने का तो सवाल नहीं उठता, पर उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता कोई गंदी। बहुत तहजीब से पेश आते हैं लोग, तो ये होना चाहिए कि लड़कियों के साथ आप अगर मतलब ये बात मुझे बहुत सही लगी कि आपका दर्जा ऊंचा कर दिया गया है, क्योंकि औरत का दर्जा है अभी भी ऊंचा है, लेकिन उसे संभालना चाहिए। और संभालने के तौर तरीके हर धर्म में लिखे गए हैं, हर धर्म में संस्कृति पढ़ाई गई है, मतलब आप अपने संस्कृति को कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये हर धर्म में हर धर्म की किताब में लिखा गया है, लेकिन उसे मानना चाहिए। और ये वेस्टर्न कल्चर की वजह से बहुत ये जो बातें हैं धर्म की वो बहुत मतलब पीछे ही होती जा रही है, कोई भी उसे नहीं अपनाता। लेकिन आज भी मतलब मुस्लिम धर्म की औरतें हिजाब पहनती है, बुर्का पहनती है, तो वो सेफ है। लेकिन और इस्लाम में मतलब कोई विधवा हो तो उसकी शादी भी हो जाती है। हाँ। क्योंकि आजकल तो मतलब हो जाती है, आजकल उस समय भी होती थी। हाँ। इस्लाम में
तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।